पौड़ी को फूलों की घाटी बनने के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही महिलाओं के नेतृत्व कर रही राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी की मुहिम अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है। अब महिलाओं द्वारा ऐसी जगह पर लगाए गए फूलों के पेड़ खिलने लगे हैं जहां कभी तेंदुए ने अपना घर बना रखा था। इसके साथ ही झाड़ियों के कारण लोगों को रात में ऐसी जगहों से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वीरा भंडारी ने बताया कि उनके नेतृत्व में काम कर रही महिला संगठन ने पिछले 4 महीने में मंडल मुख्यालय पौड़ी के ऐसे स्थान पर सफाई अभियान चलाया था जहां बड़ी बड़ी झाड़ियां थी जिनमें अब फूल खिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तमाम खाली जगहों पर खूबसूरत फूल नजर आएंगे जिससे पौड़ी को फूलों की घाटी बनाने का उनके द्वारा लिया गया संकल्प पूरा होगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। और जो आज हमारा संकल्प था आज वास्तव में आप लोग भी देख सकते हैं, प्रत्येक जनमानस सराहना कर रहा दिख रहा है कि मतलब आज हमारे फूल पुष्प जो है 4 महीने हमने जहां इतनी भयंकर झाड़ियां गंदगी यहां हो रखी थी और उनका हमने कटान करके हमने उनको नष्ट किया। गुलदार का आशियाने अड्डा था उसको खत्म किया और जो यहां गंदगी हो रखी थी तब से जब से हमने यहां फूल लगाए तब से यहां एक पन्नी मतलब कूड़े की भी नहीं दिखाई दे रही है। तो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं साकार हो रहा है और हमने जो 4 महीने संकल्प लिया था कि हमारी पौड़ी हम एक फूलों की नगरी बनाएगी तो हमारा ये संकल्प जो है जारी रहेगा और जो हमारी फूलों की नगरी पौड़ी अवश्य बनेगी। हमारे फूल आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से खिले हुए हैं। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जो ये संघर्ष आज लगा